इस क्वेश्चन में देखें तो हमने यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका है 60 डिग्री पर, और वो जब ऊपर छत पर आकर गिरता है सीलिंग पर, तो वो 30 डिग्री पर आकर स्ट्राइक करता है ऐसे, ठीक है। मान लो उस समय वेलोसिटी क्या है, वी, लेकिन हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो जो वी कॉस 30 होगा उस समय हॉरिजॉन्टल क्या होगी, अगर कोई वी पर आकर गिर रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, वी कॉस 30, और शुरू में क्या है हॉरिजॉन्टल, यू कॉस 60। हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल सेम हो गई। हॉरिजॉन्टल सेम करने से हमें यू आ गया हमारे पास वी रूट 3। इसके अलावा देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम आगे के चैप्टर यूज करना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन मैंने क्लास में ही बताया था। बताओ इनिशियली मेरे पास कितनी एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल और काइनेटिक लिखनी है बस। काइनेटिक पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि मैं ग्राउंड पर हूँ, ग्राउंड पर पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। फिर हाफ एम यू स्क्वायर क्योंकि पोटेंशियल होती है एम जी एच, एच है ही नहीं उसके अंदर, तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एम जी एच। तो ये थोड़ा आगे का चैप्टर का इन क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ता है, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच आ गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें वी की जगह क्या लिख देना है, वी की जगह यू बाई रूट थ्री लिख दो, वी की जगह कितना आ गया, यू बाई रूट थ्री, तो उससे यू कैलकुलेट हो गया, और वी की जगह यू बाई रूट थ्री फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यू कितना आ गया, अंडर रूट थ्री जी एच, इस तरह से आंसर आ जाएगा।